माखन नगर पुलिस की अनोखी कार्रवाई, पीड़ित है परेशान, बेखौफ घूम रहे हत्या के आरोपी। बेटे की जान बचाने किसान ने बेची 2 एकड़ जमीन। आरोपियों की सजा के लिए जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित। माखन नगर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम बिकोर में हत्या का मामला सामने आया है, जहां गांव के एक युवक शुभम कीर और छोटे भाई दीपक पर पैसों के लेन देन को लेकर प्राणघात हमला किया गया है। बताया जाता है कि शुभम और उसके चाचा का पुत्र दीपक 2 दिसंबर को खेत से घर की तरफ आ रहे थे, जहां पर उनको सौरभ कीर, ज्ञान सिंह कीर, ब्रजमोहन कीर, पूरन कीर ने उधार पैसे दिए हुए थे मांगे, जिस पर शुभम ने कहा कि हमारी धान बिकने वाली है, हम दे देंगे, तो आरोपी ने मारपीट करना शुरू कर दिया, साथ ही पास में रखे हथियारों से हमला कर दिया। जैसे ही छोटे भाई दीपक ने देखा, उसने पिता को फोन लगाया। ये सुनकर आरोपियों ने दीपक को निशाना बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शुभम की हालत गंभीर है, जिसका उपचार नर्मदापुरम स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। शुभम के पिता ने पुत्र को बचाने के लिए अपनी 2 एकड़ जमीन तक बेच डाली, फिर भी न्याय के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। गाँव वालों ने कहा है कि आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, गाँव में डर का माहौल है, पीड़ित न्याय के लिए परेशान हो रहा है। कार्रवाई में माखन नगर पुलिस की भूमिका पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। माखन नगर थाना प्रभारी ने कहा कि हम बारीकी से शख्सों को तलाश कर रहे हैं, शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी। बिकोर ग्राम जो के बाबई माखन नगर के पास है, वहाँ पर जिस तरीके से अभी प्रशासनिक स्तर पे जो प्रशासन की एक बहुत बड़ी ढील समझ में आ रही है, पुलिस प्रशासन की ढील समझ में आ रही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी घटना घटी है लगभग 20 दिन पहले, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ के पीड़ित लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके की वर में जनसुनवाई में उनने अपना आवेदन भी दिया था, उनसे पूछूंगा। आपका क्या नाम है? आपका रूप सिंह कीर, बिकोर। बिकोर बाबई के पास? बाबई के पास है सर जी। आप क्यों आए थे कलेक्ट्रेट? हम सर जी आज से 19-20 दिन पहले 2 दिसंबर को हमारे यहाँ बच्चे खेत पर मिर्ची रखाने गए थे। एक आपके बच्चे? आप मेरे खुद का बच्चा और एक मेरा भतीजा, दोनों लड़के मिर्ची में ढोर मवेशी पिल जाती है उनको भगाने के लिए 4-5 रोज से जा रहे थे। अब सर जी वहाँ पर क्या हुआ कि 5:45 बजे के करीब बीसाखेड़ी से कीर, सौरभ कीर और उसका पिता पूरन कीर वहाँ पर आए और एक उसका सौरभ का मामा ब्रजमोहन कीर कीरपुरा से और जासलपुर टील से ज्ञान सिंह वहाँ पर चारों मौजूदगी में थे। एक प्यार, धान का प्यार पड़ा हुआ था, उसके बगल में वो लोग बैठे थे। ये हमारे बच्चों का पता लगा कि ये वहाँ से मिर्ची में से रोड पे जा रहे थे, तो वहाँ पर बच्चे के पास वो है था सब्जी का झोला, उसने गाड़ी में टांगने रहा था और एक बच्चा पीछे से आ रहा था छोटा वाला, वो 17-18 साल का है। तो ये एकदम प्यार के आड़ से निकल कर एकदम उसने कहा, क्यों रे वो पैसे क्यों नहीं दे पा रहा तू अभी तक? तो इसने कहा, हमारी धान अभी बिकी जा रही है और धान बेच के और हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। वो नहीं, हमको पैसे आज ही चाहिए। पैसे का लेन देन का मामला था 50,000 का। तो लड़के ने बोला कि मैं 2-4 दिन में ही दे दूँगा। कहने लगे, नहीं पैसे हो तो अब भी हो, नहीं तो अब भी हाल तेरी हम ऐसे तैसे कर देंगे। वो साहब वो उनने कहा, अभी तो है नहीं है, घर चलो मैं घर करवाऊँगा बस। नहीं बोले, बहुत दिन से समझा रहे हैं हम तेरे के लिए, आज तो तेरा हमारा फाइनल है। उनने उठाया साहब और उसको मारना चालू कर दिया। तो वो पीछे जो लड़का आ रहा था वो कम से कम 20-25 कदम दूर था, उसके पास मोबाइल था। उसने मेरे पास, लड़के ने मेरे पास फोन लगाया कि पापा जी भैया कोई 4-5 लोग मार रहे हैं। तो मैंने कहा, बेटा उनके नाम का है? कहने लगे, मैं नहीं पहचानूँ। तो मैंने कहा, बेटा एक काम कर, फिर वो बड़े भैया ऊपर मोबाइल फेंक के हमें कैसे जाऊँ वहाँ पर मार रहे हैं। तो मैंने कहा, मोबाइल फेंक दे। तो वो उठा ले वो मोबाइल, लड़के ने जैसे ही फेंका वो लड़के आन के इस वो आदमी चारों आन कर इसमें घुट गए, दीपक में, दीपक को वहीं ढेर कर दिया उनने, मार दिया जान से ही मार दिया। और फिर ये लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, पापा फला फला आदमी है ये लोग, और लौट कर फिर उसको और मारा और खम्भे से टिका दिया, बिजली के खम्भे से। अब साहब मेरे गाड़ी चलाना नहीं आता मैं घर था,
मैंने एक ठाकुर के लड़के को बुलाया जल्दी से, मैंने कहा गट्टू जल्दी आ भैया, कोई लड़कों को खेत में मार रहा यार। तो कहने लगे चलो चाचा चलते हैं। तो साहब हम पान की गुंठी पे गए, वहाँ पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवा कर वहाँ मैंने लोग मौके पे पहुँचे। वहाँ से 10-15-20 लोग मेरे साथ गए और फिर एक फतरई गांव पड़ता है वहाँ से भी मैंने कहा भैया चलो जल्दी से, कोई लफड़ा हो गया खेत में। तो वहाँ से भी लोग गए 20-25 लोग, वहाँ जान के हमने देखा तो लड़का खम्मा से टिका बड़ा वाला और उसके खून खच्चर हो गया, देखते से मेरे को चक्कर आ गया। मैंने वो उसकी मम्मी से कहा, मैंने कहा एक लड़का और था इसके साथ, वो फिर लड़के देखने गए तो वो थोड़ा सा दूर पड़ा था, वो ख़त्म हो चुका था। फिर मैं वो लड़कों को आदमियों से कहा भैया थोड़े जल्दी करो, अभी एक लड़का है ख़त्म हो गया, एक लड़का तो अभी है और हो सकता है ये भी अभी ज़िंदा हो, तो अपन इन्हें जल्दी से धल लें अस्पताल। तो बोले वो पैसे लेंगे, मैं लेन दो तुम किराए गाड़ी ले आओ जल्दी से। तो फतरई गए, वहाँ पप्पू महाराज की गाड़ी है, उनने गाड़ी लेके आए और दोनों लड़कों को पटक के हॉस्पिटल इकट्ठे ही पटक के लाया। वो गाड़ी छोटी सी थी, उसमें 4-6 आदमी और कहाँ के हॉस्पिटल लाए, होशंगाबाद के होशंगाबाद सरकारी हॉस्पिटल में लाए। अब वहाँ जब उनने चेक किया डॉक्टर साहब ने, तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या स्थिति लड़कों की, कहने लगे एक लड़का तो तुम्हारा ख़त्म हो गया और एक लड़का अभी जिंदा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक काम करो, ये अब ये एक तो मर ही गया है, इसको एक को कोई अच्छी अस्पताल बताओ कौन सी है। वो तो बोले पांडे अस्पताल है। तो पांडे अस्पताल में ले आए सर हमने उसको, भर्ती किया, इलाज चल रहा है उनका अभी इलाज, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन ICU में है वो, आज 19 रोज हो गए उसको ICU से नहीं हट पा रहा, ICU उसका ऑक्सीजन जरा हटाते हैं और वो तड़फड़ाने लगता है। उनके गले में वार किया, उसके गले में बहुत ख़तरनाक चोट लगी है। अच्छा, ये सब चीज़ों में आप बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन की किस तरीके की लापरवाही है। सर जी, पुलिस के पास हम गए थे थाने, तो पुलिस वाले साहब हेमंत निसोद जी हैं जो केस की इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं, जाँच पड़ताल। तो सर जी वो यही बोल रहे हैं, बोले मामले की जांच चल रही है। सर जी चारों अपराधी खुले घूम रहे हैं और हम उनसे सर जी बहुत भयभीत हैं। मतलब एक को मार चुके हैं, एक की स्थिति ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी जो अपराधी हैं वो मतलब मुक्त घूम रहे हैं। जी, चारों अपराधी खुले घूम रहे हैं सर जी, हमको धमकियाँ दे रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमको ये भी पता नहीं रहता कि हम घर से खेत आ रहे हैं, घर से अस्पताल आ रहे हैं होशंगाबाद, तो हम सुरक्षित अस्पताल पहुंच जाएंगे और अस्पताल से घर जा रहे हैं जब भी हम सुरक्षित पहुंचने का कोई। ऐसा भी बताया गया कि किसी ने पुलिस प्रशासन से कोई किसी अधिकारी ने ये भी बोला कि बोलो आप जिनका नाम ले रहे हो वो गलत नाम है। जी, और कोई सर जी मुलजिम से वो अपने जो जिसको लगी है, जो अभी जिंदा बच गया मेरा एक भाई छोटा शुभम कीर, वो खुद बयान दे रहा है कि मुझे ये चार अपराधियों ने मिलके मारा, ये चार आदमियों ने मिलके मारा। इसके बाद भी मतलब पुलिस ऑब्जेक्शन कुछ ये नहीं उठा पा रही कि उनको बंद कर लें, अपन खुले घूम रहे हैं चारों अपराधी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कीर है, मैं बीकौर का निवासी हूँ। बीकौर बाबई के पास? जी सर, बाबई के पास है। जी, तो शुभम भाई आप बताएं कि क्या घटना हुई थी और किस तरीके की घटना हुई आपके साथ? जी सर, मैंने मतलब 50,000 रुपये लिए थे सौरभ कीर से। तो वहीं पर रहते हैं क्या? नहीं सर, ये बीसा खेड़ी का निवासी है। बीसा खेड़ी कहाँ पर? ये बुधनी सीहोर में आता है सर। अच्छा। जी सर, नर्मदा जी के उस पार है, बीकौर से। अच्छा। जी सर, तो सर मैं वो 50,000 रुपये मतलब टाइम से वापस नहीं कर सका, तो इन्होंने सर आकर, मैं खेत में था उस दिन, मैं और मेरा भाई। किस तारीख की बात है? 2 दिसंबर की बात है सर। दो दिसंबर 2023? जी सर, 2 दिसंबर 2023 शाम करीब 6 बजे के समथिंग सर। तो सर सौरभ कीर बीसा खेड़ी, पूरन सिंह कीर बीसा खेड़ी और ब्रज मोहन कीर कीरपुरा माखन नगर बावी, इन सबको आप अच्छे से जानते हैं? जी सर, और ज्ञान सिंह की सर जासलपुर टील होशंगाबाद के पास में सर। ये चारों आए सर शाम को, हम दोनों भाई खेत से सर आ रहे थे घर के लिए, तो सर इन्होंने चारों ने सर गंदी गंदी गालियां दी और सर चारों ने मुझ पे हमला कर दिया सर। और इसके बाद सर मेरे भाई दीपक की ने मेरे पिताजी को फ़ोन लगाया,
तो सर इन्होंने उसको वो मुझे सर वहीं पे इन्होंने मार के और छोड़ा सर, और चारों के चारों ने सर मेरे सामने सर उसकी बुरी तरह हत्या कर दी सर। आपके भाई को? जी सर, मेरा छोटे भाई दीपक केर की। फिर सर उसके बाद सर ये मेरे तरफ फिर वापस आए और सर इन्होंने फिर मुझे मेरी मारपीट की सर। अच्छा, ये सब घटना की जानकारी पुलिस को दी? जी सर, मैंने पुलिस को सर, मैं पांडे हॉस्पिटल में मेरे परिवारजन द्वारा लाया गया मुझे, तो सर मैं बेहोशी की हालत में था, फिर यहाँ सर मैं होश में आया तो मैंने पुलिस प्रशासन को सर मैं बयान दिए मैंने अपने, तो सर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है सर, और आरोपी को जो गिरफ्तार किए गए थे सर उनको सबको छोड़ दिया गया है, और पुलिस प्रशासन सर मेरे दोबारा भी बयान हुए सर, उसके बाद भी सर पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे, और सर उनको छोड़ दिया गया है मुजरिमों को। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि किसी ने आपसे, पुलिस प्रशासन से भी किसी ने आपसे ये बोला कि वो लोग नहीं थे? जी सर, पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो लोग मुजरिम नहीं है सर। आप जानते हैं पुलिस कौन कौन था, मतलब वहाँ पर कोई एक अधिकारी को जानते हैं, किसी को नाम से जानते हैं या नहीं? तो जानते नहीं, जानते नहीं सर, शक्ल से जानता हूँ, शक्ल नाम तो मेरे को, मतलब उसी थाने में, बाबई थाने में? जी सर, बाबई थाने में सर, मेरे बयान जो हॉस्पिटल में लिए गए थे सर, पांडे अस्पताल में, तीन बार बयान हो चुके सर, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्यवाही नहीं कर रही है अभी तक सर। अभी तक कोई कार्रवाई? जी सर, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है सर, और सर मेरे भाई मतलब दीपक कीर की हत्या हो चुकी है, और आज में सर 18 दिन हो चुके मुझे इस हॉस्पिटल में सर, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है पुलिस प्रशासन। एक हत्या हो चुकी है, उसके बाद भी अपराधी जो है वो खुले घूम रहे हैं सर। आप इससे सर मुझे भी जान को खतरा है, मेरे परिवार को भी जान को खतरा है सर, मुझे उनको मतलब ऐसे खुले छोड़ दिए गए हैं, तो इस पर सर पुलिस प्रशासन और सर जो भी अन्य अधिकारी है उनको सर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए सर इस पर। कौन सी जगह है ये? बिकोर है? अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक वारदात हुई थी जिसमें एक कोई बच्चे की जान गई थी और एक जो है एडमिट है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो प्रकरण हुआ है वो क्या हुआ है, मतलब कि क्या स्थिति है, गलत हुआ है? गलत है सर, बहुत गलत। गलत हुआ है? हाँ, बहुत गलत। और जो क्योंकि बताया जा रहा है कि जिनने ये काम किया है, जिनने ये वारदात की है, वो लोग, उन लोगों को पुलिस ने जो है अभी तक किसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। क्या लगता है आपको, कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमने गलत किया है अच्छा। अभी एक लड़का भर्ती भी है। हाँ, तो वही नहीं, एक तो इस पार्टी खत्म हो गया, एक भर्ती है, एक भर्ती अभी। अच्छा ठीक। ग्राम पंचायत चपलासर के सरपंच भी हमारे साथ हैं, वो क्योंकि परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे ही पूछेंगे प्रशासन की इस तरीके की कार्रवाई पे वो क्या बोलते हैं। आपको क्या लगता है प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन बहुत लापरवाही कर रहा है सर भाई। क्या होना चाहिए भाई, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये सब कहना है कि अपराधी जो हैं वो बिल्कुल मुक्त घूम रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं। जी बिल्कुल मुक्त घूम रहे हैं, उनको उनको बहस है, और कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही दिख रही है पूरी। 18-20 दिन हो गए, किसी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है? कड़ी कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई। तो आप देखिए कि ये स्थितियां हैं, जहां पर सुशासन की बात की जाती है वहां पर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, और प्रताड़ित होने के साथ साथ भय से में जी रहे हैं, जहां पर पूरी सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम अच्छे से अच्छा शासन दें, हम सुशासन दें, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न प्रशासन के ऊपर भी उठाती हैं और लोगों की सुरक्षा के ऊपर भी उठता है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।